हमारी ट्रॉमा सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रेयर फ्रैक्चर के बारे में, क्योंकि थोड़ा सा रेयर है तो इसकी एनाटॉमी भी थोड़ी सी अलग अलग पार्ट्स के मिलने की वजह से कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो हम बात कर रहे हैं स्कैपुला फ्रैक्चर की, जो इस लोकेशन पर होती है। तो इस फ्रैक्चर को समझने के लिए, हमेशा कोई भी चीज़ समझने के लिए उसका एक क्लासिफिकेशन होता है, जिससे हमें पता लगता है कि किस टाइप की इंजरी है, उसी से हमारा ट्रीटमेंट भी डिफाइंड होता है। तो एनाटॉमी वाइज अगर हम देखेंगे तो ड्रैकोविक ने एक क्लासिफिकेशन दिया है, जिसमें एक फ्रैक्चर होता है जिसमें कि स्कैपुला की बॉडी के अंदर फ्रैक्चर है, वो टाइप वन है। दूसरा, इसके अंदर एपोफाइसिस के पार्ट होते हैं स्कैपुला के अंदर, यहाँ पे एक्रोमियन का पार्ट होता है जो कि एक एपोफाइसियल पार्ट है, और दूसरा कोरकॉइड आगे की तरफ रहेगा। तो इसके पार्ट के फ्रैक्चर्स को हम एपोफाइसियल फ्रैक्चर्स बोलते हैं। और टाइप थर्ड के अंदर जो स्कैपुला की नेक होती है, जो शोल्डर जॉइंट का ग्लेनॉइड वाला पोर्शन बना रही है, उस लोकेशन वाले फ्रैक्चर को हम सुपीरियोलैटरल एंगल फ्रैक्चर और टाइप थ्री एनाटॉमिक क्लासिफिकेशन में मानते हैं। उसके बाद, क्योंकि स्कैपुला की नेक के आगे की तरफ ही ग्लेनॉइड होती है जिससे शोल्डर जॉइंट आर्टिकुलेट करके ये मूवमेंट कराता है, उसको और क्लियर करने के लिए आइडबर्ग ने क्लासिफिकेशन दिया था, सो दैट कि उसको अच्छे से समझ पाए, उसको मेंटेन करने के लिए, क्योंकि एक इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर है। तो इसीलिए जो भी सरफेसेस हैं उनको 100% मैच करना, ऑलमोस्ट 100% मैच करना, उसकी एक रिक्वायरमेंट होती है। तो टाइप वन फ्रैक्चर होता है कि अगर उसके अंदर बोन और लिगामेंट के पीस के साथ अवल्जन फ्रैक्चर होता है एंटीरियर पार्ट ऑफ ग्लेनॉइड के अंदर, तो उसको हम टाइप वन बोलते हैं। आइडबर्ग में टाइप टू का ए पार्ट है कि ग्लेनॉइड के अंदर ट्रांसवर्स फ्रैक्चर है और उसके अंदर वो लाइन जो है फ्रैक्चर होते होते थोड़ा इन्फीरियरली जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है। टाइप टू बी के अंदर ओब्लीक है, उसके अंदर इन्फीरियरली जा रही है लाइन। थ्री के अंदर भी ओब्लीक फ्रैक्चर है, पर जो फ्रैक्चर की लोकेशन है वो उसके साथ साथ वो सुपीरियर जा रही है, लाइन जो है फ्रैक्चर होके सुपीरियर डायरेक्शन में जाती है, और उसके साथ साथ एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट पे भी इंजरी होती है। टाइप फोर जो इंजरी होती है आइडबर्ग के अंदर, उसके अंदर भी ग्लेनॉइड के अंदर ट्रांसवर्स फ्रैक्चर है, बट वो फ्रैक्चर की लाइन के साथ साथ वो फ्रैक्चर और पीछे की तरफ जाके स्कैपुला के मीडियल पार्ट तक होता हुआ निकलता है। और टाइप फाइव आइडबर्ग के अंदर टाइप टू प्लस फोर के दोनों कंपोनेंट होते हैं, मतलब स्कैपुला का भी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, उसके साथ साथ इंट्राआर्टिकुलर फ्रैक्चर तो है ही है। तो ये ग्लेनॉइड का पार्ट है। इसी पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर एक और स्ट्रक्चर, जैसे हमने बात की थी एपोफाइजियल में एक्रोमियन की, तो एक्रोमियन के भी दो तरीके के फ्रैक्चर होते हैं। एक फ्रैक्चर है कि खाली एक्रोमियन के एनाटॉमिकल पार्ट के अंदर फ्रैक्चर होता है, जिसे हम जोन वन बोलते हैं। दूसरा, जोन वन और अंदर की तरफ मीडियल जाके होता है, जहाँ स्पाइनोग्लेनॉइड नॉच तक जाता है, स्कैपुला के स्पाइन तक जाता है फ्रैक्चर। तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है इस फ्रैक्चर की, इस क्लासिफिकेशन की, ये रीज़न ये है कि ये एक पूरा कॉम्प्लेक्स है जहाँ कई सारी बोन्स आके मिलती हैं और वो एक रिंग जैसी स्ट्रक्चर बनाती हैं, और अगर किसी एक पार्ट पे रिंग में फ्रैक्चर हो रहा है तो वो स्टेबल फ्रैक्चर होता है, उसको मैनेज करना कंपैरेटिवली आसान होता है। बट अगर उस रिंग के अंदर दो पार्ट पे फ्रैक्चर होते हैं तो वो एक पैल्विक इंजरी में भी रिंग कंसेप्ट होती है, वैसी ही यहाँ पर भी होती है, तब वो शोल्डर को हम फ्लोटिंग शोल्डर बोल देते हैं। तो ये यहाँ पे कोरेकॉइड से लेके कोरेकॉइड के आगे आपका क्लेविकल आई, क्लेविकल से होते हुए एक्रोमियन, और एक्रोमियन से पीछे की तरफ घूमते हुए ग्लेनॉइड, और बीच के जो लिगामेंट हैं, तो आप एक तरीके से एंड ऑन देखेंगे तो एक रिंग की तरह स्ट्रक्चर होगी। तो अगर कोरेकॉइड के साथ क्लेविकल टूटा हुआ है या कोरेकॉइड के साथ एक्रोमियन है, तो इसका मतलब है कि रिंग वाली स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं है और ये एक फ्लोटिंग शोल्डर है। ऐसे पेशेंट की जो प्रेजेंटेशन है, पेन तो होगा ही, टेंडरनेस भी होगी, आपको क्रेपिटस की साउंड भी आ सकती है, स्पेशली अगर इंट्रा ग्लेनॉइड फ्रैक्चर्स होते हैं। उसके अलावा अगर इंजरी बहुत ही हाई वेलोसिटी इंजरी है, जो कि नॉर्मली इन केसेस में होती है, तो लंग का एक्सरे देखने होते हैं कि उसमें कोई न्यूमोथोरैक्स तो नहीं है, लंग के अंदर कोई कंट्यूजन तो नहीं है, कोई न्यूरोवेस्कुलर स्ट्रक्चर जो है जो इस रीजन से निकल के जाती है उस पर तो कोई इंजरी नहीं है, पीछे स्पाइन में साथ में, क्योंकि इस पोर्शन के साथ साथ स्पाइन का पोर्शन भी होता है बैक में, तो वहाँ कोई इंजरी तो नहीं है, आगे रिब्स में इंजरी तो नहीं है, क्लेविकल में नहीं है, स्टर्नम में। तो ये आसपास की जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं उनको सबको आपको चेक करके देखना होता है कि उसके अंदर कोई टेंडरनेस या उसके अंदर एसोसिएटेड इंजरी तो नहीं है। एक और ख़ास चीज़ होती है इसके अंदर, एक पर्टिकुलर चीज़ होती है, कोमोली साइन बोलते हैं, जिसके अंदर जब स्कैपुला में फ्रैक्चर होता है तो यहाँ इंफ्रास्पाइनेटस के पूरे एरिया के अंदर हेमेटोमा बन जाता है, जो कि बहुत टेंस होता है और स्वेलिंग जैसी दिखती है, जो दोनों तरफ जब आप उसको
अनड्रेस करके देखेंगे पेशेंट को, तो वो डिस्टिंक्टली दिख जाएगी स्कैपुला के, स्पेशली जो बॉडी वाले फ्रैक्चर्स होते हैं ड्रेकोविक टाइप वन वाले, तो उनके अंदर काफ़ी ईजिली दिख जाती है, तो उससे पता लग जाता है वो है, और उसको आपने डिकम्प्रेस भी करना पड़ता है। इसके अलावा इसके एक्सरेज और ट्रीटमेंट, क्योंकि इतनी कॉम्प्लेक्स क्लासिफिकेशन है और फिर उसके अकॉर्डिंगली एक्सरेज भी नॉर्मल एक्सरे नहीं होते हैं, स्पेसिफिक एक्सरे होते हैं, सीटी स्कैन की ज़रूरत पड़ती है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर हम ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम केवल एक्सरे के स्पेसिफिक व्यूज़ जो स्कैपुला के लिए हम कराते हैं और जो सीटी स्कैन कराते हैं, उसके अलावा हम ट्रीटमेंट में किस तरीके से इन फ्रैक्चर्स के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट करते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।